जो लोग परेशान है ना महंगाई की वजह से, तो इसके लिए जो रिटेल में जैसे कि हम जाते हैं तो उधर फर्क है 50-60 रुपए पर किलो का। ये 400 रुपए मार्केट में बिक रहा है, हमारे पास यहाँ पे 300 रुपए डबल स्टीम माल। ये सेला चावल है। इसके अलावा आप अगर चावल में आपको बताऊँ ज्यादा जो बिक रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह रोजमर्रा का इस्तेमाल का साबुत चावल है, पुराना चावल है, बासमती का है, वन बासमती और बेहतरीन चावल है। ये 240 रुपए दाम है। ये है बासमती डबल स्टीम का टोटा पोनिया चावल, इसे कहते हैं चावल, और ये मार्केट में 260 रुपए बिक रहा है, 250-260 रुपए बेच रहे हैं। हमारे पास इसके रेट है 200 रुपए। नए रेट तो 300 आ गए, पुराने रेट लिखे हुए 250 रुपए, लेकिन ये हम 200 रुपए की दाल का पैकेट है 1 किलो का, मार्केट में 260-280 बिक रहा है। देखिए मूंग की दाल है, 280 रुपए बिक रही है। ये आपको बड़ी दाल है 380 तक बिक रही है मार्केट में। ये हम आपको साबुत है, ये 9 mm बड़ा चना है अच्छा वाला, पूरा इसमें 4 वरायटियों की वर्ष है, कुटी हुई साबुत इसी, ये बेसन है अपना चक्की का 1 नंबर, इसके रेट है 220। ये 1 किलो बेसन और इसकी आप पैकिंग देखे देखते हुए इस वक्त जो हालात है, तो हमने कहा कि हमने अपना मुनाफा बिल्कुल ही कम कर दो, बेहतरीन वाइज और क्वालिटी वाइज अच्छा और लेके जा रहे हैं मार्केट से माशाल्लाह बहुत कम, साफ सुथरा काम, बिल्कुल काम है। पैकिंग भी देखो इनकी, ये देखे पैकिंग के हिसाब से भी सारा इनके पास, ये आप देखें, ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से पैकिंग करके लोगों को देते हैं। कराची में बहुत सारी दुकानदारों को माल जाता है हमारा, और हम होलसेल रेट में दे रहे हैं। जब उनको हम माल होलसेल में दे रहे हैं, अल्लाह पाक रोजी दे रहा है, तो हमारे जहन में अल्लाह ताला ने ख्याल डाला कि क्यों ना एक गरीब आवाम जो लोग परेशान है उसके लिए होलसेल रेट में, यानी कि ये अल्लाह की रजा हासिल करनी है, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया कमा लो, ये आखिर मदीना शरीफ से भी मुझे फोन आया, उनको मैंने माल दिया और गरीबों में तकसीम दी। 320 रुपए की एक थैली हो रही है, पकवान की जैसे है ये, जी हाँ जी जी, 900 ml की एक थैली, 340 की, 250 रुपए का एक कार्टन होता है, 5 थैलियाँ होती है, बेहतरीन तेल होता है, 350 रुपए का आपको। कैसे आप लोग, मैं हूँ जावेद से, तो और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची के बिल्कुल अपोजिट में, यहाँ पे सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है चावलों के हवाले से, और राशन का हर आइटम इनके पास मिल रहा होता है। जिनके पास मैं मौजूद हूँ, इन्होंने एक स्कीम निकाली है आम आवाम के लिए, और इनको सस्ते दामों में राशन दे रहे हैं, मार्केट से कम दे रहे हैं, और ज़्यादातर जो होलसेल के जो रेट होते हैं और जो बड़े लेवल पे दुकानदारों को दिए जाते हैं, वही ये आम जो है उनके पास 1 किलो भी कोई अगर खरीदने ले आता है क्वान्टिटी से, थोड़ी क्वान्टिटी में भी लेने आता है, तो उसको भी ये उसी रेट में दे रहे हैं। तो आए बाकायदा का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरी इनसे डिटेल लेते हैं कि इनके पास क्या क्या है और उसके रेट क्या है। आज से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरा शेयर भी करें। ये देखें, ये सामने सिटी कोर्ट कराची है, इस पर जैसे इस तरफ आप जोड़िया बाजार की तरफ यहाँ से आएंगे तो सामने देखें, ये नूरी ट्रेडर्स के नाम से ये शॉप है, ये राशन और हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है। तो आए चलते हैं और देखते हैं। अस्सलामु सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बता दीजिएगा। हमारी शॉप का नाम है नूरी राइस ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है, अपनी शॉप का एड्रेस समझा दीजिएगा। ये है जोरिया बाजार सिटी कोर्ट के सामने, 26 स्ट्रीट कहलाती है। ठीक है, बिल्डिंग का नाम है पूना वाला टावर। इसके नीचे हमारी दुकान है नूरी राइस ट्रेडर्स। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या होता है थोड़ा पहले बता दीजिएगा, फिर हम देख भी लेंगे, दिखा भी लेंगे। हमारे पास दाल है, चावल है, ऑयल वगैरह होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम होलसेल रेट में रजब के महीने से हमने शुरू किया, 1 साल हो गया तकरीबन। ठीक है, होलसेल रेट में, होलसेल रेट में आवाम के लिए, जो लोग परेशान है ना महंगाई की वजह से, तो इसके लिए जो रिटेल में जैसे कि हम जाते हैं तो उधर फर्क है 50-60 रुपए पर किलो का। ठीक है, लेकिन आम नॉर्मल कस्टमर आपके पास आते हैं तो उनको भी आप देते हैं, एक किलो का भी है दालों का। ठीक है, वो भी हम दे रहे हैं, और चावल है हमारे पास अच्छे क्वालिटी के, तो वो भी हम होलसेल रेट में। ठीक है, और ऑयल भी आपके पास? ऑयल भी हमारे पास है। ठीक है, जैसे कि एक मिसाल है, ये चावल बिरयानी का जो है ये मार्केट में 400 रुपए तक बिक रहा है। सर वो कहाँ रखा है? आपको दिखाता हूँ, डबल स्टीम माल है, मैं सिंपल हो जाए प्योर स्टीम। ये देखें, ये चावल, ये इनके बिरयानी के चावल, ये 400 रुपए मार्केट में बिक रहा है,
हमारे पास यहाँ पे 300 रुपए डबल स्टीम माल है। अच्छा 300 रुपए है, 300 रुपए पर किलो। ये कौन सा बिरयानी वाला चावल? बिरयानी का बेहतरीन चावल, डबल स्टीम तैनात चावल है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ये हनी बाबा गोल्ड के नाम से ये सेला चावल है। इसके अलावा आपको मैं जो है ना क्वालिटी वाइज हमारे पास रोजमर्रा का चावल है। देखिए हमारे पास जो है ना इस वक्त चावल मैं आपको बताऊं ज्यादा जो बिक रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह रोजमर्रा का इस्तेमाल का साबुत चावल है, पुराना चावल है, बासमती का है, वन बासमती और बेहतरीन चावल है। ये 240 रुपए दाम है, ठीक है ना, 1200 रुपए की 5 किलो की थैली है इसकी, अच्छा चावल। और ये रोजमर्रा में लोग आम मार्केट में कितने तक का मिल रहा होता है? ये 270-280 रुपए लोग बेच रहे हैं, इनके पास काफी रेट कम है जी। और ये है बासमती डबल स्टीम का टोटा पोनिया चावल इसे कहते हैं, हम स्टीम का पोनिया चावल। और ये मार्केट में 260 रुपए बिक रहा था, 250-260 रुपए बेच रहे हैं, हमारे पास इसके रेट है 200 रुपए। ये पोनिया चावल है, डबल स्टीम है और बेहतरीन, मतलब पकाने में भी बहुत अच्छा है। और ये वो ये बिरयानी का लंबा चावल जो लोग कहते हैं ना, जो डबल स्टीम कायनात चावल जिसको हम कहते हैं, वो ये चावल है। ये मार्केट में अमूमन 350-400 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आपको 300 रुपए किलो मिलेगा, ये 240 रुपए मिलेगा। और ये वाला जो है ये 200 रुपए किलो है। इस तरीके से ये शरबत की जो बोतल है कंपनी के, इस वक्त नए रेट तो 300 आ गए, पुराने रेट लिखे हुए 250 रुपए, लेकिन ये हम 200 रुपए की दे रहे हैं। 200 रुपए में, ये 200 रुपए, 250 से भी कम है। इसी तरीके से चने की दाल है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आप यहाँ पे ये देखें चने की दाल का पैकेट है 1 किलो का। अच्छा ये कितने वाला? 1 किलो वाला, 1 किलो की पैकिंग है। मार्केट में 260-280 बिक रहा है, हमारे पास आपको ये पड़ेगा 210 रुपए का। अब इसके पीछे देखे मूंग की दाल है, ये वाली मूंग की धुली हुई दाल, ये मार्केट में 280 रुपए बिक रही है, ये आपको पड़ जाएगी 220 रुपए में। यहाँ दे रहे 230 रुपए, 220। ये मसूर की दाल है 380 तक बिक रही है मार्केट में, ये हम आपको देते हैं 300 रुपए में यहाँ पे, ठीक है। और ये मसूर साबुत है। काला चना देखे, पीछे काला चना रखा हुआ है, काला चना 190 रुपए पर किलो है। सफेद चना ये बराबर में आपको ये देखेंगे, ये 9 mm बड़ा चना है, अच्छा वाला, ये मार्केट में 450 रुपए तक बिक रहा है। ये आपको पड़ जाएगा जनाब यहाँ पे हम जो दे रहे हैं 370 रुपए किलो। इस तरीके से ये हमारे पास चावल दालें वगैरह होती है। ये क्या चीज है सर? ये काला चना है, 190 रुपए किलो है, ठीक है। और ये क्या मसाला जाते है? ये मसाले पीछे मसाले आगे रखा हुआ, वो सारे मसाले। अच्छा ये देखिए मसाले का पैकेट, जैसे ये हल्दी हमारा अपने मतलब चक्की का पिसा हुआ है, ये पूरा जो पैकेज है सर ये जी, ये 1 किलो का पैकेट है पूरा, इसमें 4 वरायटी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो ना मिर्च है, कुटी हुई साबुत और पिसी हुई, इस तरीके से चारों आइटम है। ये 1 किलो पूरा मसाला सिर्फ 600। अच्छा ये देखिए 1 किलो। और सर ये क्या चीज है? ये बेसन भी है, चीनी भी है हमारे पास। अच्छा ये बेसन है अपना चक्की का, 1 नंबर, इसके रेट है 220 रुपए में। ये कितने वाला पैकेट है? ये 1 किलो की पैकिंग में। अच्छा कितने का है? ये 220 रुपए का है। ये उठा के आप देखें जरा, एक पैकिंग का पैकेट आप उठाए, ये पैकिंग देखें इसकी कितनी खूबसूरत है, और माल भी ऐसा ही है। ये 1 किलो बेसन है, ये तो ये हमारा रमजानों में माशाल्लाह इतना लोग, ये 1 किलो बेसन, और इसकी आप पैकिंग देखें, ये सिर्फ एक आवाम के लिए ताकि कहीं खराब ना हो माल, ठीक है। देखिए काफी समझ में आई बात। इस तरीके से हमारे पास दालें हैं, चावल, ये हमने रजब से शुरू किया है सस्ता माल, लोगों की परेशानी देखते हुए कि इस वक्त जो हालात है, तो हमने कहा कि हमने अपना मुनाफा बिल्कुल ही कम कर दो, यानी कि हमें 1-2-3 रुपये में काम हो रहा है यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग दूर दूर से आते हैं और बड़ा फायदा हो रहा है उनको, लोग कहते हैं हमें, ठीक है। चावल दालें, ये ऑयल है कि ये देखें, ये पूरा कंपनी का तेल ऑयल वगैरह सब होता है हमारे इनके पास अवेलेबल है। ये लोग देखें खरीद रहे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, इनसे मौजूद है। जब से इनसे उठाए चावल तो उसके बाद से इनसे ले रहा। अच्छा चावल आप इनसे जब से लिए उनसे लिए, तो क्वालिटी और उसके हवाले से मैयार के साथ बेहतरीन वाइज और क्वालिटी वाइज, अच्छा, और रेट भी इनके काफी बेहतर है, ठीक है। आप कहाँ से? वैसे ये सामने कोर्ट में होते हैं, कोर्ट और आगे से आ जाते हैं इनसे, ठीक है। देखिए ये इनके पास यहाँ मौजूद है और इनके इन्होंने सामान ही परचेस करते हैं और ये इनके पास आते रहते हैं, ठीक है सर, मेहरबानी आपकी। यहाँ पे दूसरे ये इन्होंने ये लिया है सर। वालेकुम सलाम सर, अपना नाम बता दीजिएगा। बुरहानुद्दीन सर, आप यहाँ पे आते रहते हैं इनके पास? जी जी जी। तो आप इनके क्या लेते हैं आप इनसे? कौन पड़ोसी है? पड़ोसी और यही से सामान वामान यही हम सामने रहते हैं। ये देखिए सामने इनका घर भी है और ये सामने ही बिल्कुल इनकी शॉप है, तो ये यहाँ से इनसे लेते रहते। तो आपको सामान के हवाले से, रेट वेट के हवाले से किस तरह लगता है? बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। ये देखिए ये फैमिली जो है वो भी वहाँ पे सामने,
लेके जा रहे हैं मार्केट से, माशाल्लाह बहुत कम, मार्केट से बहुत ही कम रेट है इनके, और साफ सुथरा काम, बिल्कुल साफ सुथरा काम है। पैकिंग भी देखो इनकी, ये देखे पैकिंग के हिसाब से भी सारा इनके पास, आप देखें ये देखे ये कितने अच्छे तरीके से पैकिंग करके लोगों को देते हैं, ये नहीं है कि थैलियों में डाल के देते हैं, ठीक है ये पैकिंग वैकिंग इनके, और ये पूरा देखे नूरी राइस के नाम, ये नूरी राइस के नाम, ये बोर्ड भी यहाँ पे शॉप नंबर और पूरा एड्रेस गली हर चीज इसमें लिखी हुई है, देखते हैं। और ये यहाँ पे फैमिली और लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, ये देखते हैं पूरा मोहल्ला यहाँ पे मौजूद है। सर एक चीज आपसे और मालूम कर ली थी, जिस तरह आपकी माशाल्लाह से बहुत बड़ी होलसेल की शॉप है, तो आप हर कस्टमर को, नॉर्मल जो रिटेल वाले हैं उनको भी आप एक किलो भी किसी को चाहिए तो होलसेल रेट में दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? असल में हालात के हिसाब से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली जो काम है ना, कराची में बहुत सारी दुकानदारों को माल जाता है हमारा, और हम होलसेल रेट में दे रहे हैं। जब उनको हम माल होलसेल में दे रहे हैं, अल्लाह पाक रोजी दे रहा है, तो हमारे जहन में अल्लाह ताला ने ख्याल डाला कि क्यों ना एक गरीब आवाम जो लोग परेशान है उसके लिए होलसेल रेट में, यानी कि जो हम कट्टों के रेट हैं उसमें 2-3-4 रुपए ये थैली का खर्च लगा के, ये देखिए पूरा ये थैली की पैकिंग 4-5 रुपए की जो थैली आती है वो खर्च लगा के ये उसी रेट में, तो हम यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं, ठीक है ये तो लोग आते हैं बहुत होलसेल रेट में, बिजनेस के साथ साथ और नेकी का इरादा भी है आपका, ये अल्लाह की रजा हासिल करनी है, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें लोग दूर दूर से आते हैं और तारीफ करते हैं, एक साल से ये कर रहे हैं, एक साल से रजब के महीने से शुरू किया है, और इंशाल्लाह दम में जब तक दम में करते और मुख्तलिफ आप पैकेजेस भी आप जो टाइम आता है, अभी रमजान हो गया, या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई आफत आ जाती है, तो उसमें जो गरीबों को राशन पैकेजेस जो होते हैं तो वो हमारे बहुत ही उमदा किस्म के पैकेजेस होते हैं, अच्छे और सस्ते और मयारी आइटम। सबसे बड़ी बात यह है कि ये राशन बैग जो होते हैं इसके अंदर लोग हल्का माल हम नहीं डालते, लोग डालते हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन ये है कि आप जो चाहे दुनिया कमा लो या आखिरत कमा लो, ठीक है, हम सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए राशन बैग जो हम गरीबों में जो तकसीम करने का है, अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से लोगों ने हमें सराहा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ से भी मुझे फ़ोन आया, उनको मैंने माल दिया गरीबों में तकसीम दी, तो लोग आते हैं राशन के बैग हमारे पास, रजब से ये काम शुरू होता है, राशन बैग के मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं हमारे, ठीक है, तो उसमें 3,000, 4,000, 5,000 इस तरह के होते हैं राशन बैग के हिसाब से, तो लोग बनवाते हैं और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सराहा कि क्वालिटी, गरीब आदमी को माल जाए, असल में जो पैसा लोग देते हैं वो तो बेचारे दे के जान छुटती है, अब जो माल जो देने वाला उसके ईमान के ऊपर बात है ना कि वो आगे क्या दे रहा है, तो वो बहुत से लोग इसमें करते हैं लेकिन अल्लाह ताला उनसे बचाए, और हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी वाइज एक नंबर माल, अच्छी क्वालिटी का माल, और गरीबों में जिसको जाता है वो भी तारीफ करते हैं कि हमें चावल भी अच्छा मिला, दालें भी अच्छी मिली, मसाला तेल वगैरह सब एक नंबर क्वालिटी, ठीक है। और आपके पास ऑयल भी है तो ऑयल भी कुछ दिखा दीजिएगा जिस तरह आपके पास, ये हमारे पास खजूर कंपनी के जो ऑयल है, ये एक पकवान का ब्रांड है, ये 300 पकवान ब्रांड बराबर में, ये आपका चाहिए देखें, ये 320 रुपए की एक थैली होती है, ये घी की है 340 रुपए की थैली, ये पकवान की जैसे है ये, जी हाँ एक किलो वाली है ये, जी जी ये 900 ml की होती है, अच्छा 320 रुपए की एक थैली होती है, 1600 रुपए का कार्टून है, ठीक है, इसका जो घी है वो 340 रुपए का एक घी की थैली है, ये घी की थैली है, ये घी की एक थैली 340 की है, इसका एक दूसरा महंगा तेल है वो 1750 रुपए का, ये इस तरफ पड़ा हुआ है, खजूर का अपना ब्रांड है, चमन बाबा ये खजूर ब्रांड है, ये देखिए ये 1750 रुपए का एक कार्टन होता है, 5 थैलियां होती है, बेहतरीन तेल होता है ये जो ब्रांडेड कंपनी बड़ी कंपनियों का ऑयल ये है, वो 2400 रुपए का कार्टन है, 2300-2500 रुपए का, और ये कितने की है? 1750 रुपए का एक थैली, कितने की है? 350 रुपए का आपको, 350 रुपए का, जी जनाब, ठीक है, ये एक किलो वाली 350 रुपए की है, और ये मार्केट में कैसे कितने की बिक्री होती है? ये कोई 400 रुपए तक बिकती है, 400-450 जिसका जिधर 450 रुपए में तो अमूमन बिक्री है, ठीक है, ये 350 रुपए में देखे एक किलो की थैली मिल रही है, एक थैली 900 ml की थैली, और ये वाले जो है ये चमन है, ये आपको पड़ेगा 1600 रुपए का, 1600 रुपए का, और उसमें एक थैली ले तो 320 रुपए की, 320 रुपए की, 300 ये ऑयल है, ये ऑयल है 320, कम से कम ये वाला है आपके पास, ये वाला भी है, ये देखे पकवान का भी 320 वाले सारे, वो हम मोर रियायत भी कर देते हैं, मुझे ठीक है, ये देखे ये ऑयल के काफी इनके पास मौजूद है खजूर के नाम से, ये देखे ये सारे एक ही ब्रांड हमने रखा है, खजूर मार का, अच्छा खजूर वालों का सारा, खजूर कंपनी का अच्छा है, पाकिस्तानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो नहीं है कोई गलत, ठीक है, कम से कम यानी कि 320 वाला है, ये ब्रांडेड आइटम खजूर का एक ब्रांड है, जी जी, इनका जो है ना माल सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है, 320 रुपए की एक थैली है, 900 ml तेल है, 900 ml तेल है, ठीक है।
320 रुपए की आपको मिल जाएगी। ये देखें, ये इस पर पूरा लिखा हुआ भी, डिटेल भी लिखी हुई है, ये देखें। और इसमें 12 पैकेट होते हैं खजूर के। तो नंबर बता भी दें जी, 0300-226-1598 ये मेरा नंबर है, और एक व्हाट्सएप नंबर है 0330321-2351536। ठीक है, और ये कार्ड भी देख लेते हैं, ये आप लगा दीजिएगा, कार्ड भी देखें इनका मौजूद है नूरी के नाम। सर आप अपनी शॉप की टाइमिंग ही बता दीजिए, या किस टाइम खुली होती है? हमारी शॉप जो है सुबह 9 बजे खुल जाती है और 7 बजे तक हमारी दुकान खुली हुई है, शाम 7 बजे तक, मगरिब के बाद 7 बजे तक दुकान खुली होती है। और शुरू की जो तारीख होती है 2 संडे खुलेगी, इतवार को सिर्फ शुरू की तारीखों में, 2 इतवारों को शुरू के 2 इतवारों को। ये टाइमिंग जो मैंने आपको बता दी ना, तो सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक होती है हमारी शॉप। और लोग अक्सर बेचारे फ़ोन करते हैं कि आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हो नहीं करते हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑनलाइन का कोई सिस्टम है नहीं। अगर बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं, परेशान होते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो ऑनलाइन नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ शॉप पे डिलीवरी करते हैं। ये भी अगर आपको किसी को मंगाना, तो बाइक या वगैरह को किसी को बेच के आप मंगवा सकते हैं।